करंटली हमारे चैनल में चार गिव अवेज चल रहे हैं, जिसमें आप जीत सकते हैं ओप्पो रेनो, लेनोवो Z6 प्रो, रियलमी एक्स और रेडमी K20 प्रो जैसे स्मार्टफोन्स। और फ्यूचर में कई सारे और गिव अवेज आने वाले हैं, तो आप गिज्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें जल्दी ही रेडमी के एक नए स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने मिलेगा। इस 64 मेगापिक्सल सेंसर का नाम है ISO सेल ब्राइट GW1 और इसे बनाता है सैमसंग। सैमसंग ने जब पिछले महीने अपने 64 मेगापिक्सल सेंसर को लॉन्च किया था, तो सैमसंग ने अनाउंस किया था कि जो दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ, वो होगा सैमसंग गैलेक्सी A70s, जो इस साल के एंड तक लॉन्च होगा। लेकिन हो सकता है उससे पहले हमें रेडमी के आने वाले स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने मिले, क्योंकि एक लीक निकल के आई है कि Xiaomi की टीम सैमसंग के साथ 64 मेगापिक्सल सेंसर की डील कर रही है। रेडमी के कौन से स्मार्टफोन में हमें 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर देखने मिलेगा, इसकी तो कोई कंफर्मेशन है नहीं अभी तक, लेकिन इसकी बहुत चांस है कि ये रेडमी नोट 8 प्रो हो, जिसमें हमें देखने मिलेगा 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर। गूगल ने हुआवे को बैन कर दिया, जिसके चलते अब हमें आने वाले हुआवे या ऑनर के स्मार्टफोन में एंड्रॉयड देखने नहीं मिलेगा। हुआवे खुद का तो एक ओएस बना रहा है जिसका नाम है हंग मैक ओएस, लेकिन उसको डेवलपमेंट में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जो अक्टूबर में या नवंबर में लॉन्च हो सकता है। लेकिन तब तक हुआवे क्या करेगा? हुआवे ने एक अल्टरनेटिव निकाला है कि वो दूसरा कोई ओएस को यूज करेगा जब तक उसका खुद का ओएस डेवलप नहीं हो जाता। तो हुआवे ने डिसाइड किया है कि वो सेलफिश ओएस को यूज करेगा, लेकिन प्योर सेलफिश ओएस को यूज नहीं करेगा, वो एक कस्टमाइज वर्जन को यूज करेगा जिसका नाम अरोरा ओएस। और ऐसी खबर भी आ रही है कि हुआवे ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स को अरोरा ओएस के साथ टेस्ट भी किया है। अगर सारे टेस्ट सक्सेसफुल होते हैं, तो हमें जल्दी ही हुआवे और ऑनर के स्मार्टफोन्स में अरोरा ओएस देखने मिलेगा, जब तक कि हुआवे का खुद का हॉन्ग मैक ओएस डेवलप नहीं हो जाता। लावा ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है लावा Z62। लावा Z62 एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, जिसमें दिया गया है 6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 3380 mAh की बैटरी, और ये स्मार्टफोन चलता है MediaTek के हीलियो A22 प्रोसेसर में, जिसमें हमें देखने मिलता है 2GB रैम विद 16GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें कुछ खास देखने मिलता नहीं है, इसमें देखने मिलता है 8 मेगापिक्सल का सिंगल रेयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। लावा Z62 की प्राइस है 6,060 रुपीज और ये 18 जून से अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन स्टोर्स में। और लावा एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट ऑफर भी दे रहा है कस्टमर्स को। आप अपना पुराना कोई भी टीवी एक्सचेंज कर सकते हैं लावा Z62 के बदले। आपको सिर्फ करना इतना है, आपको रजिस्टर करना है लावा के वेबसाइट में, अपना पुराना टीवी एक्सचेंज करना है, और उसके बदले लावा आपको देगा लावा Z62 स्मार्टफोन। Xiaomi ने एक नया लिस्ट अनाउंस किया है, जिसमें उसने Xiaomi के कुछ स्मार्टफोन्स के नाम डिक्लेयर किए हैं, जिन्हें Android 10 Q बेटा का अपडेट सबसे पहले मिलेगा। Xiaomi के लिस्ट में टोटल 11 स्मार्टफोन्स है जिसे Android Q बेटा का अपडेट सबसे पहला मिलेगा, और वो नाम है MI9, Redmi K20 Pro, MI8, MI8 Explorer Edition, MI8 In Display Fingerprint Edition, MI Mix 2S, MI Mix 3, Redmi K20, MI9 SE, Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro। अगर आपके पास भी इन फोन में से कोई एक स्मार्टफोन है, तो बाकी Xiaomi यूजर्स से पहले आपको Android 10 Q बेटा का अपडेट मिल जाएगा। और इस लिस्ट में Redmi K20 Pro का नाम भी है, जिसका हम गिव अवे भी कर रहे हैं। और हो सकता है आप में से किसी एक व्यूअर को यह स्मार्टफोन मिले, जो बाकी Xiaomi यूजर्स से पहले Android 10 Q को यूज कर पाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। सैमसंग ने रिसेंटली एक पेटेंट फाइल किया है, जो सैमसंग के नए स्मार्टफोन का है, और ये नया स्मार्टफोन एक रोलेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन है। सैमसंग के नए पेटेंट के अनुसार ये डिस्प्ले को आप खींच कर 60% तक बढ़ा सकते हैं, और जब आपको बिग स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको रोल करके डिस्प्ले को छोटा भी कर सकते हैं। और इसमें जो डिस्प्ले यूज किया गया है, वो एक OLED डिस्प्ले है। फिलहाल तो ये सिर्फ एक डेवलपमेंट स्टेज में है, ये कब तक लॉन्च होगा या इसका प्रोटोटाइप कब तक लॉन्च होगा, इसकी कोई कंफर्मेशन अब तक है नहीं। हुआवे जल्दी ही अपना दो नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है हुआवे नोवा 5 और हुआवे नोवा 5 प्रो। इन दोनों स्मार्टफोन्स में से जो हुआवे नोवा 5 है, वो एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा, और जो हुआवे नोवा 5 प्रो है, वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। और इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें हमें देखने मिलता है 6.39 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 3500 mAh की बैटरी, जो 40W फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। नोवा 5 प्रो चलेगा किरिन 980 फ्लैगशिप प्रोसेसर में, और जबकि नोवा 5 चलेगा किरिन के नए मिड रेंज प्रोसेसर 810 पर, जो साथ में आएगा 8GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और कैमरा डिपार्टमेंट में दिया होगा इसमें क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें हमें देखने मिलेगा 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। और सेल्फी के लिए इसमें हमें देखने मिलेगा 25 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। और ये दोनों ही स्मार्टफोन इस महीने के एंड तक लॉन्च हो सकता है, और इसकी प्राइसिंग तो अब तक अवेलेबल है नहीं, लेकिन जैसे ही इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हम आपको भी अपडेट कर देंगे।
तो आज के टेक्नो में बस इतना ही। आपके मन में अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और नॉलेज बांटने से बढ़ता है तो आप इस वीडियो को जरूर औरों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अब तक गिज़्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।